जनपद के अमोली कस्बे में कल दोपहर करीब 2 बजे पुलिस की जीप थाना चांदपुर से अमोली कस्बे की ओर गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान कुलखेड़ा स्थित पेट्रोल पंप से लगभग 30 मीटर की दूरी पर सूदकीर्ति वाटिका गेस्ट हाउस के समीप जैसे ही पहुंची तभी सामने से आ रही पिकअप अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसे बचाने में पुलिस जीप चालक शिवम सोनी ने भरसक प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस जीप खंडक में जा गिरी, जिसमें सवार 6 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। इनमें से 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से चोटें पहुंची। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने घटना देख घायल जवानों को गाड़ी से बाहर निकाला और तुरंत सूचना प्रशासन व एम्बुलेंस को दी गई। जैसे ही सूचना प्रशासन तक पहुंची वैसे ही आनन फानन में एम्बुलेंस भेजकर घायल जवानों को अमोली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उपचार किया। इसमें शशांक सिंह जादौन व रोहित सिंह यादव की हालत नाजुक देख उन्हें फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया, जबकि शेष 4 पुलिसकर्मी ओम नारायण यादव, स्वतंत्र सिंह पाल, आनंद सिंह यादव, शिवम सोनी आदि लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमोली में CHC प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्कर कटियार की देखरेख में चल रहा है। आइए देखते हैं जिला संवाददाता संजय शुक्ला की एक रिपोर्ट SPN News फतेहपुर।